बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह और नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। मैं आज बहुत सिंपल सी एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मौसम सरमा का मौसम आ गया, मौसम चेंज हो रहा है, और फ्लू के लिए ये ख़ास तौर पे ये जो सेवइयाँ मैं बनाने जा रही हूँ, ये फ्लू हो, गला ख़राब हो, तो उसमें बहुत सुकून मिलता है। मेरी सासू माँ ये बनाती हैं, स्पेशली जब मुझे फ्लू होता है तो वो बना के घर में, जिसको भी फ्लू होता है वो घर में बना के देती हैं। और ये इस कदर आसान है, शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। आपने पुलाव ही खाया होगा, दूध सेवइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपने ये शायद बॉयल सेवइयाँ आपने कभी सुनी होंगी, लेकिन आपने देखी नहीं होगी कि ये किस तरह बनती हैं। और कुछ लोगों ने देखी भी होगी और बनाई भी होंगी, तो मैं आज यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती है। मेरे पास एक बाउल है सेवई है, मेरे पास मोटी वाली सेवई है मेरे पास, और साथ हाफ कप मेरे पास चीनी है। चीनी जितनी आप खाना चाहें, अगर ज़्यादा घर में पसंद की जाती तो आप ज़्यादा डाल लें। और आधी प्याली मेरे पास है देसी घी। देसी घी में ही मैं बनाऊंगी, मैं नहीं कहूंगी कि आप इसको ना डालें, ऑप्शनल है, नहीं, ऑयल या दूसरे घी में बिल्कुल इसको नहीं बनाना है, इसको देसी घी में ही बनाना है। देसी घी मार्केट में बड़ा इजी मिल जाता है, और मेरे पास शहद है, ये ऑप्शनल, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आप डालना चाहें तो उसको डालें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको पता है शहद के कितने फ़ायदे हैं। और साथ कुछ मेरे पास मेवा जाते हैं, जिनमें है मेरे पास कोकोनट है, किशमिश है, और थोड़े से बादाम है, ये भी ऑप्शनल है, मैं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो ये भी डाल सकते हैं। तो ये झटपट बन जाती हैं, जिस तरह के हम चावल बॉयल करते हैं, बिल्कुल चावल जैसे बॉयल करते हैं वैसे ये सेवइयाँ बननी है। तो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो चले इनको बनाना झटपट स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये देखिए पानी फुल बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो मैं सेवइयाँ डालूंगी। और पानी आपने, जैसे हम चावल बॉयल करते हुए पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैंने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए मैं डाल रही हूँ सेवइयाँ, और मैं करती हूँ हल्के हाथों से मिक्स। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊंगी, ये आपके सामने ही है, 2 मिनट में कैमरा भी ऑन रखूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से मुझे फ्लू है, आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी। तो मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं अपने बच्चों को बहुत शौक़ से देती हूँ बना के, जब भी कोई फ्लू का मसला हो या गला ख़राब हो, तो ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हो जानी, 2 मिनट मैंने इनको सिर्फ पकाना है, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि चावलों जैसे चावल बॉयल करते हैं, चावल बॉयल करना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको अगर आसान किया जाए तो आसान भी हो जाता है, इसलिए ये इनका भी मलीदा हो सकता है। सेवइयाँ हैं, बहुत नाजुक सी चीज़ है, इसका भी मलीदा हो सकता है, इसलिए हमने बहुत एहतियात से, बॉयल हो रहा होगा पानी तो तब डालना है, जैसे कि मैंने डाला है। ये होगी रेडी, 2 मिनट में ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ में पकड़ने से ही पता चल जाता है कि सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। ये देखिए, अब छलनी मैंने रखी हुई है एक, उसमें मैं इनको निथार लूँगी। चले जी, मैं इनको डालती हूँ छलनी में। अच्छा जी, मेरे पास छलनी है, मैं उसमें डाल रही हूँ इसकी। अब मैं फ़ौरन ही पानी, जैसे ये देखें खुशक होगा, मैं इनको रखूंगी नहीं, मुझे गरम गरम ही चाहिए, मैं इनको फौरी तौर पे उल्टा दूंगी इसी पैन के अंदर। चलिए जी, इसको उल्टाते हैं इसी पैन के अंदर। ये देखिए, इस पैन के अंदर सारी मैंने उल्टा दी है,
अब झटपट काम करूंगी मैं। ये गरम गरम सेवइयां हैं जो इनके ऊपर बाकी चीजें डाल दीजिए। ये गरम गरम के ऊपर मैं डाल रही हूँ घी जो मेरे पास रखा हुआ है, ये देखें, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चीनी और मेथी के साथ शहद जो है वो मैं वो भी डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। एक से दो टेबलस्पून जितना आप खाना चाहें। इनको मैं करूँगी अच्छी तरह मिक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इतना सा मिक्स करूँगी कि सेवइयाँ मेरी ठंडी ना हो। अब मैं इनको कवर कर रही हूँ एक प्लेट के साथ, मैंने 1 मिनट के लिए मैं इनको कवर रखूँगी। ओके जी, 1 मिनट हो गया है, ये देखिए दम मैंने चूल्हे पे नहीं रखा। और ये देखें ये जो पानी है, ये मैं थोड़ा आपको दिखाऊं, ये देखें ये जो शीरा है ये है बेस्ट फ्लू के लिए। ये देखें ये बच्चों को सुइयों के साथ डाल के दें और इतना सुकून मिलता है, रात भर बच्चे भी सुकून से सोते हैं, मैं खुद बड़े सुकून से सोती हूँ, आप यकीन करें। पहले पहले मेरी ये सास की रेसिपी है, पहले पहले जब मैंने बनाई तो बिल्कुल ऐसे मैंने बनाई कि सेवइयाँ ऐसे बन गई जैसे कि पोस्टर चिपकाने वाली होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे पता चल गया। और मैं आपको बताती चलूँ, मार्केट में ऐसी सेवइयाँ जो बिल्कुल बड़ी शाइन वाली आई हुई हैं आजकल, सिल्की सिल्की, और वो गलाना उनको बहुत मुश्किल होता है। सेवइयाँ ज़रा देख के परचेज़ करें ताकि आपको सेवइयाँ गलाते हुए दिक्कत ना हो। तो चलें जी, इनको हम करते हैं डिश आउट। ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रेडी, इतनी ज़बरदस्त सी, और मेरे मुंह में आ रहा है पानी। और मैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आजकल एलर्जी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ये देखें इसका ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत मुफीद है ये पानी, और आजकल एलर्जी भी बहुत है। और मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे एक टोटका बताया था मेरी जो है मेरी बेटी की जो टीचर है उनकी नानी, माना देखे कितना दूर का मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने बताया था एक टोटका मुझे, और इतना ज़बरदस्त टोटका है उनका, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जिन बच्चियों को या बड़ों को डस्ट एलर्जी है, मुझे खुद डस्ट एलर्जी है, दाल चावल से हर चीज़ से मुझे एलर्जी है, नाक से पानी बहता है, तो उन बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत मुफीद है वो वाला टोटका, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें बिल्कुल पुलाव भी ऐसे ही बनता है, ये देखें एक एक सेवइयाँ क्या बात है, बिल्कुल अलहदा अलहदा है, और इनका ये पानी जो है वो भी साथ, ये घी और सेवइयों का पानी है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स देना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मैं नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।